अब देखिए एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट, मोनोकॉट का जो रूट है उनका एनाटॉमी। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि जाइलम बंडल कितने रहते हैं मोनोकॉट में और कितने रहते हैं डायकॉट में। मोनोकॉट में 2 to 4 रहते हैं, जाइलम बंडल मोनोकॉट में मोर देन 6 रहते हैं, मोर देन 6 मोनोकॉट में मोर देन 6 रहते हैं, जिनको कहा जाता है पोली आर्क। ठीक है, पोली आर्क ऐसे ये है डायकॉट का, मोनोकॉट का भी ऐसे बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रेंडमली रहते हैं वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, ऐसे मोर देन 6 रहते हैं वास्कुलर बंडल बीच में। ठीक है, देन पीत जो है वो डायकॉट में स्मॉल होता है। पीत डायकॉट में क्या होता है, स्मॉल, और मोनोकॉट में लार्ज, वेल डेवलप्ड। पीत जो है क्वेश्चन बनती है यहाँ से कि पीत डायकॉट में वेल डेवलप्ड होते हैं या फिर मोनोकॉट में वेल डेवलप्ड होते हैं। तो डायकॉट में जो पीत है वो स्मॉल है, क्या है, स्मॉल, एंड मोनोकॉट में लार्ज है, वेल डेवलप्ड है। ठीक है, देन सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होता है और किसमें नहीं होता है, डायकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्यों, सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए किसकी जरूरत है, कैम्बियम की, किसकी, कैम्बियम की। अब कैम्बियम कहां पर रहता है, कैम्बियम तो आप जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में रहता है कैम्बियम। ठीक है, तो कैम्बियम नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि वो जो याद है ना, याद है ना, जो रेडियल सिमेट्री होता है वो दो तरीके की होते हैं, एक होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप मोनोकॉट्स में रहते हैं, उनमें नहीं रहते हैं वास्कुलर बंडल। ठीक है, कैम्बियम नहीं रहते हैं, वास्कुलर बंडल नहीं, कैम्बियम नहीं रहते हैं। जो क्लोज टाइप है उनके बीच में क्या नहीं रहता है, आपने पढ़ लिया ऑलरेडी कि बाहर में फ्लोएम रहता है और अंदर में क्या रहता है, अंदर में रहता है आपका जाइलम, और इन दोनों के बीच में कोई भी कैम्बियम नहीं रहता है। लेकिन डायकॉट की जो जाइलम एंड वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या रहता है, कैम्बियम। ठीक है, अगर कैम्बियम हटा दे तो हो गया मोनोकॉट, अगर कैम्बियम लाए तो क्या हो गया, डायकॉट। ठीक है, कैम्बियम हटा दे तो मोनोकॉट, कैम्बियम लाए तो डायकॉट। तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए उसकी जरूरत है, और वो मोनोकॉट में नहीं रहता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होते हैं, और डायकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है अच्छे से।